अनंत जन्मों से माया विलास के भ्रम में भटकते हुए हमें इस महामहिम भारत भूमि में मानव देह मिली, मनुष्य शरीर में दुर्गुण दुराचार दुष्प्रवृत्तियों से बचाने के लिए भगवान ने हमें सत्संगति दी। संगति ही दुर्गति और सदगति का कारण है। अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, और बाहर के जो दुष्कर्म करने वाले जन हैं, इनका संग दुर्गति प्रदान करता है। और अंदर की सत प्रवृत्तियां सतवृत्तियां बाहर के सतमार्ग में चलने वाले पथिक जन संत जन, इनका संग हमें सदगति प्रदान करता है। सत्संगति संस्कृति चक्र को मिटाकर भगवदानंद प्रदान करती है। वो भी हमें कहां सत्संगति मिली, श्रीधाम महामहिम परम पावन वृंदावन, वृंदावन में भी परम पावन पुलिन यमुना जी के पावन तट पर। ये यमुना जी का ही प्रवाह स्थल है जहां आप बैठे हुए हैं। अब हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कसम पूर्वक, शपथ पूर्वक, नियम पूर्वक असत संग से हटाकर सत में लगाना होगा। बहुत जिद्दी स्वभाव रखना होगा। सैकड़ों बार ये आपको फिसलाएंगे, फिर भी आपको उत्साह संपन्न रहना होगा कि मैं जीतूंगा। बस इतनी ही लड़ाई है। मन और पांच ज्ञान इंद्रियों का भोगों में जाना, इनको पलट करके प्रभु में लगाना, बस इतना ही है। स्वाभाविक गति इनकी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति के स्थान में जाएंगे। हमें परमात्मा में लगाना है, बस इतनी ही साधना है। कैसा अद्भुत वृंदावन धाम, श्रीपाद कह रहे हैं, ब्रह्माख्यम धाम विष्णुर्वहति हृदि सदा यः सा पूज्योऽत्र लोके मूर्तिं या कांति देवार्चयति भगवतो यः सा तस्य प्रियात्मा साक्षी श्रीकृष्णचन्दं भजति या उर्भी सोनुभावैरतुल्यो मच्चेतस्त्वेष जहवे त्यजति रसिकरां नैव वृंदावनम यः। कैसा दुर्लभ और अद्भुत महामहिम वृंदावन धाम है। कहने संसार में वो धन्य है जो भगवान नारायण का भजन करके भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का चिंतन करते हैं। ब्रह्माख्यम धाम विष्णुर्वहति हृदि सदा यह सा पूज्योत्र लोकम, संपूर्ण लोकों में पूजनीय वह हो गया जो ब्रह्म धाम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का आश्रय लेकर के नारायण 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 ऐसा जप करता है, चतुर्भुज नारायण भगवान का चिंतन करता है और वैकुंठ धाम का आश्रय लेता है, वो संपूर्ण लोकों में पूज्य है, वो धन्य है। फिर कह रहे मूर्तिम याम कांचि देवार्चयति भगवतो यह सा तस्य प्रियात्मा, जो भगवान के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके, भगवान के विविध रूप हैं, राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा विविध रूप हमारे प्रभु के ही हैं, जो प्रभु के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके अच्छे अच्छे पदार्थों से अपनी सामर्थ्य और भावानुसार सेवा करता है, तो बोले सातस्य प्रियात्मा, वो सबका प्रिय आत्मा बन जाता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। फिर कह रहे हैं साक्षी श्री कृष्ण चंद्रम भजतिया उर्भी सोनुभावैर तुल्यो, जो सबके हृदय के साक्षी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अर्चन बंदन आराधन करता है, बोले उस सबकी आत्मा हो जाता है। सोनुभावैर तुल्यो,
वो भगवान के समान हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। लेकिन वृंदावनवासी के लिए क्या कह रहे, मत चेतस त्वेष जहे त्यजति रसिकरांग नैव वृंदावनम यह। धन्याति धन्य महाधन्य हो जाता है जिसका चित्त और शरीर, मन और शरीर दोनों वृंदावन का त्याग नहीं करते, वो इसी जन्म में धन्याति धन्य 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 तेज इनके उपास है। धन्य है वो संपूर्ण जगत का पूज्य है जो ब्रह्मधाम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का आश्रय लेकर नारायण नारायण जपता है, जो भगवान के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके अच्छे अच्छे पदार्थों से अपनी सामर्थ्य भावानुसार अर्चना वंदना करता है, उस सब का पूज्य हो जाता है, सबकी आत्मा सबका प्रिय हो जाता है। और जो सबके साक्षी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हो जाता है। पर धन्याति धन्य वो हैं जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की उपासना में महामाधुर्य रस में चित्त को जोड़े हैं, जिनका मन और तन दोनों वृंदावन वास करते, धन्याति धन्य हैं। अपने लोगों को तो पता ही नहीं था, श्री जी ने कृपा करके घसीटा, कैसा अद्भुत धाम है। भूर भूरे वात्रेषाम जलमपि च जलम साखिवल्यो द्रुवल्यो ज्योत्सनादि ज्योतिराद्यम खग पशु मनुजादीन पक्ष्यादिकानि। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपुराधिका राधिकेव व्यूहालम तेन वृंदावन मनुमम काप्यस्तु दिव्यानुभूति। ओहो, ये वृंदावन की भूमि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई कोई मायाकृत भूमि नहीं है, चिदानंद भूमि में बैठे हो। ये वृंदावन भूमि, इसकी समानता सिर्फ वृंदावन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जैसे प्रिया प्रीतम के समान सिर्फ प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन। वृंदावन समस्त धामों का मूल, प्रिया प्रीतम समस्त अवतारों के मूल अवतारी। जो वृंदावन के जल का पान करता है, ये साधारण जल नहीं है, ये ब्रज गोपियों से लेकर अभी तक समस्त प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। प्रेमाश्रु दो प्रकार के होते हैं, एक विरह अश्रु तप्त और एक शीतल अश्रु आनंदमय। और समस्त प्रेमी प्रिया प्रीतम की चरण रज तो है ही, समस्त प्रेमियों की दुर्लभ चरण रज यहां विराजमान है। तो यहां जब जल वर्षा होती है तो चरण रेणु का प्रताप, आंसुओं से भींगी हुई रज का, उस सब जल में। यहां का जल साधारण जल नहीं, यहां का जल मात्र पीने से भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये प्रेममय जल है वृंदावन का। यहां की भूमि ब्रह्मा की रची हुई नहीं है, त्रिगुणातीत चिदानंद धाम है। यहां का जल कोई साधारण जल नहीं, प्रेम प्रकाशित करने वाला जल है। और कह रहे हैं यहां की लता ये तेजोमयी कोटि कोटि कल्प तरुभीन की समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाही। वृंदावन की एक लता के समानता करोड़ों कल्प तरु स्वर्ग के नहीं कर सकते। एक कल्प तरु व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है लौकिक, लेकिन वृंदावन की लता कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। और कह रहे हैं खग पशु, यहां जो पशु पक्षी हैं, एक दिन एक वाणी में पढ़ रहे थे तो लिखा था यहां के जो कपोत हैं ये सुख शनकादि की समानता रखने वाले हैं। यहां के जो कबूतर हैं ये श्री सुखदेव जी और शनकादि मुनियों के समान हैं, और बढ़कर कह सकते हो क्योंकि जो रज शिव शनकादि की आचत उसी रज में ये वास करते हैं।
यहाँ के खगमृग पशु पंछियों की कृपा हो जाए तो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो। आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु वंदना करते, हे राधाया रति गृह सुखा, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूया प्रणत भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। सर रख करके आपको प्रणाम करते हैं किशोरी जी के वृंदावन के महल के खगमृग पशु पंछियों सुख सारिका मयूर कोकिला आदि, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, हम पर अनुकंपा करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, खगमृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, हम आपकी चरण शरण में हैं, आप कृपा करो, लाडली लाल का प्रेम प्रदान करो। ये राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, ये प्रिया प्रीतम के जस गान में उन्मत्त महान ब्रह्म ऋषि परम हंस ही यहाँ के खगमृग पशु पंछी हैं। और मनुजादीन, यहां के मनुष्य को मनुष्य मत मानो। जैसे मनुष्यों में वर्ण जाति कुल आदि की भावनाएं की, यहां मत मानो। यहां सब परब्रह्म परमात्मा के साक्षात प्रिय कृपा पात्र चिदानंद रूप हैं। यहां के त्रिभुवन में ऐसा कहीं नहीं है कि संत जन किसी संत के अलावा किसी के चरण धोए और चरणामृत पिए। त्रिभुवन में नहीं ऐसा, त्रिभुवन में ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों से चरणामृत उतरवा ले, सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। वो दुष्कृति को जो प्राप्त जन होते हैं, ऐसी उसकी दुर्गति होगी जो संतों से चरणामृत अपना उतरा ले। या तो संत और या भगवंत, दो ही हैं, तो ये भगवंत हैं वृंदावन के। देख लो, अभी परसों की सेवा का विचार करके देख लो कि जो परसों अपने को चरणामृत मिला धोने को, आरती करने को और पान करने को, ये केवल वृंदावन की महिमा का प्रभाव है। और वो भी आनंद पुलकित होके कह रहे थे, आज मुझे गर्व है कि मैं ब्रजवासी हूं, आज मुझे गर्व है कि मैं भगवान का हूं और भगवान के धाम का हूं। बस यही यही बात देखनी है। एक छोटे से ब्रजवासी के जब पैर छो तो जा बाबा लाडली जी तो पे कृपा करें, ये आशीर्वाद किसी के सामर्थ्य नहीं दे सके। इसलिए यहां ब्रजवासी जनों पर, यहां के तीर्थ पुरोहितों पर, यहां की सेवा करने वाले जनों पर कभी ऐसा भाव उपेक्षा का भाव, कभी हे भाव ना आवे। अगर आ गया तो अपराध बन जाएगा, पक्की बात समझ लो। ये प्रिया प्रीतम के निज पार्षद हैं, जब आप हृदय से इनकी वंदना करोगे तो आपका अध्यात्म भाव, भगवत भाव, प्रिया प्रीतम के प्रेम भाव ये बढ़ जाएगा। ऐसे इंतजार कर रहे थे चरणामृत का जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा पानी का इंतजार करता ना, मिल जाए तो प्राण पूर्ण। तो ऐसा लग रहा था आज अहंकार के ऊपर, अहंकार पर्वत पर जैसे इंद्र वज्रपात करके चकनाचूर करते हैं, ऐसे आज भगवत पार्षदों का चरणामृत जन्म जन्म के अहंकार का चकनाचूर कर देगा। कितनी जल्दी चरणामृत आवे भगवत पार्षदों का, जो वृंदावन के अभिन्न अंग है और वृंदावन के नित्य सेवक हैं। बाहरी बात नहीं देखनी, आंतरिक बात देखनी। पीते ही रोमांच हुआ, एक अद्भुत भाव में रसीला भाव। इसलिए कह रहे मनुजादीन, यहां के मनुष्यों में साधारण भाव मत कर लेना। यहां बाहर से भी वही आता है जिस पर श्री जी की कृपा है, फिर जो मां के गर्भ से सीधे रज में जन्मे हैं, अहोभाग्य धन्याति धन्य। जिस रज को शिव शनकादि की याचना करते हैं वो मां के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए, तो रजोपसेवी वृंदावनवासी ब्रजवासी जन हमारे परम पूज्य हैं। कोई भी हो परम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। इनके प्रति जरा भी दोष दर्शन आपके, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो, आपके भजन की वृत्ति को रोक देंगे और आपके पतन का कारण बन जाएगा इनके प्रति किया हुआ अपराध। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल धनुज रिपुराधिकाराधिकेव। यहां श्री वृंदावन धाम में जो धनुजों का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इतने ही नहीं हैं, यहां प्रेमाधीन श्री कृष्ण है। जो केवल श्री कृष्ण को इतना ही जानता है वो नहीं जानता, श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल धनुज रिपु, इतना ही नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल इतना ही जानता है कि धनुजों का दमन करके उद्धार करने के लिए, नहीं, ये प्रेम स्वरूप है, प्रेमाधीन है।
हम उनसे तर्क नहीं करते, श्रीपाद करें हम उनसे तर्क नहीं करते, पर जो श्री वृंदावन धाम में प्रेममय श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? श्री लाडली जी के आगे करबद्ध होकर सेवा की याचना कर रहे, ए सखी आज तू कृपा कर, वीणी गुंथन का सौभाग्य मुझे प्रदान, आज दर्पण दिखाने का सौभाग्य मुझे, आज महावर लगाने, ये बाहर के नहीं जानते, ये वृंदावन निज महल है। श्रीपाद इसीलिए कह रहे मुझे तर्क नहीं करना किसी से, पर यहां की जो दिव्यानुभूति है वो राधा आराधन तत्पर। श्री कृष्ण कैसे हैं? राधा आराधन तत्पर, श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर जो श्री कृष्ण है। कैसे श्री कृष्ण? जो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, बोले ऐसे श्री कृष्ण की जो आराधना करते हैं उनको कुछ अलग दिव्यानुभूति होती है। यही मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत दुर्लभ श्री धाम वृंदावन मिला, अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति दोष भाव ना हो और संत सेवा बन जाए। धाम में धामी बहुत जल्दी प्रसन्न होते जब धाम वासियों की सेवा बनती है। महापुरुषों ने कहा ऐंच खैंच के जैसे बने संतों के मुख में बो दो, बहुत बढ़िया फसल तैयार हो जाएगी, अविनाशी फसल तैयार हो जाएगी। जैसे बने तैसे संतों के मन, भजबे को दोई भले कह हरि और कह हरिदास, और उसमें भी अगर संतों का, सब संतों ने निर्णय किया कि यदि संतों की आराधना बन जाए तो भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान सेवक बन जाते हैं। ये बड़ी बात, कहीं किसी तपस्वी की सेवकाई करते हुए भगवान नहीं मिले, लेकिन त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन के भगवान रहे। जो भक्त सेवी है, संत सेवी है, उस पर भगवान की विशिष्ट कृपा प्रकाशित होती है। बस संत सेवा में अपराध रहित वृत्ति होनी चाहिए।